वेलकम टू एबीएन न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद सुलेमान मलिक एबीएन न्यूज़ में आपका खैर मकदम करता हूं। प्रॉपर हैदराबाद में बस्ती दवाखाने खोले जा रहे हैं। साबिका में 128 दवाखाने ऑलरेडी इनॉग्रेशन हो चुका है, आज 45 बस्ती दवाखाने खोले जा रहे हैं। और यहाँ पर मैं मलकपेट में इनॉग्रेशन करके आया, याकूतपुरा में करके आया और आज चंद्रन गोटे में कर रहा हूँ। ये कौन सा हो गया? मिल्लत नगर। वहाँ कारपोरेटर साहब भी यहाँ मौजूद है और सीनियर लीडर्स भी MIM के। TRS और MIM पार्टी जो है फ्रेंडली पार्टी है और हम यही चाहते हैं कि पुराने शहर के लोगों को भी पूरे सहूलत पर सकें। वाकई हमारे जो आनेबुद CM साहब है, हिंदुस्तान में वाहिद CM है जो आवाम की भलाई के लिए काम करने वाले हैं, उन्होंने तेलंगाना बनने के टाइम पर जो मूवमेंट में जो जो बात कही, सबसे पहले उन्होंने लैंड ऑर्डर कंट्रोल किया। तेलंगाना बनने से पहले लैंड ऑर्डर बहुत ख़राब था, उसके बाद करंट पावर, हमेशा तेलंगाना में पावर का शार्टेज था, किसानों को जो है 4-5 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं मिलती थी और घरेलू रोज़ाना 6-8 घंटे ब्रेक डाउन किया जाता था। हमारे स्टेट में करंट का बहुत शार्टेज था, CM साहब ने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए, पावर प्रोड्यूस किया और सारे आवाम को 24 घंटे करंट दे रहे हैं बगैर किसी खलल के। जो किसान है हमारे, उनको भी 24 घंटे बगैर किसी एक पैसा लिए दिया जा रहा है। इंडस्ट्रीज़ को 24 घंटे 24 आवर्स 7 डेज कंटिन्यू करंट दिया जा रहा है। और आज उसके बाद हेल्थ का मसला आया, हेल्थ जो है बहुत अहमियत का हामिल है। CM साहब ने हेल्थ के लिए बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट बनाया, बहुत बड़ा। खाली सिर्फ हैदराबाद में जहाँ 150 कारपोरेटर है वहाँ पर 300 दवाखाने खोले जाएंगे और आज तकरीबन मैं समझता हूँ पहले 128 दवाखाने खोल चुके हैं, आज 45 दवाखाने। इससे गरीबों को बहुत बड़ी मदद मिलेगी। मैं आवाम से भी अपील करना चाहता हूँ कि आप इस बस्ती दवाखाने में आइए, यहाँ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है और बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर से दवाएँ मुकम्मल फ्री दिए जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सारा तेलंगाना और सारा हैदराबाद के अंदर, आगे इससे बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा क्योंकि लोगों के पास जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, बहुत ज़्यादा पैसे दिए जा रहे हैं, गरीब आवाम बहुत परेशान है, इसलिए बस्ती दवाखाने खोलने जा रहे हैं। मैं आनेबुद CM साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। CM साहब ने खासतौर से हर तरीके से हमारे स्टेट को डेवलप किया, किसानों को भी जीने का एक रास्ता बताया। कालेश्वर प्रोजेक्ट जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कायम करते हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा एकड़ पर जमीन पानी सप्लाई कर रहे हैं, जो फ्री करंट सप्लाई कर रहे हैं किसानों को, उसी तरह गरीब आवाम को भी दवाएँ फ्री दवाखाने खोले जा रहे हैं। उसके लिए मैं यहाँ के MLA साहब को और हमारे कारपोरेटर साहब को दिल की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ और हमारे आनेबुद CM साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ।